नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग प्लॉट पे लोन लेना चाहते हो, क्योंकि मैं भी प्लॉट पे लोन लेना चाहता था तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें आईं और मुझे उस समय समझ में आएगा कि अगर आप लोग प्लॉट खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को अलग अलग तरीके के टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, दो कैटेगरी के लोग होते हैं जो प्लॉट पे लोन लेते हैं। पहला कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर खुद का बिजनेस कर रहे हैं, दूसरा वो जो ऑलरेडी कहीं एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जिनकी सैलरी एक बंधी हुई आ रही है। देखिए, दोनों लोगों के लिए कंडीशन अलग अलग है। अगर आप लोग गवर्नमेंट बैंक के पास जाते हो तो गवर्नमेंट बैंक आप लोगों को परचेज और कंस्ट्रक्शन दोनों लोन करता है, ठीक है? यानी कि आप लोग प्लॉट पे लोन लोगे और फिर उसको कंस्ट्रक्शन कराओगे, और आप लोगों को एक टाइम पीरियड देता है जो कि 2 से 3 सालों का होता है। इस बीच आप लोगों को वो कंस्ट्रक्शन कराना होगा। अगर नहीं कराते हैं तो फिर आप लोगों को पेनाल्टी देनी पड़ती है या फिर आप लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यही बेसिकली पार्ट होता है, क्योंकि आप लोगों का जो भी लोन होता है उसे सिंपल लोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और 2 से 3% तक का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये कंडीशन है अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हो। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग प्लॉट खरीदना चाहते हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्राइवेट बैंक्स की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कि SDFC बैंक हो गया या फिर ICICI बैंक हो गया, और भी अदर बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो आप लोगों को केवल प्लॉट पे लोन प्रोवाइड कर देते हैं। SBI भी आप लोगों को प्लॉट पे लोन प्रोवाइड कर देता है, लेकिन दोस्तों उन्हीं लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जिनका 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल हुआ है, ठीक है, और अच्छी खासी इनकम हो उनकी और बैंक को भरोसा हो रहा है कि आप लोग वो लोन चुका सकते हो, तो फिर उस कंडीशन में आप लोगों के लिए परचेज पर भी लोन हो जाएगा बैंक्स की तरफ से। अब कई बार दोस्तों आप लोगों का ITR सही होता है, लेकिन आप लोगों को रेट ज्यादा देने पड़ सकते हैं जब आप लोग दूसरे NBFCs के पास विजिट करते हो। वो आप लोगों का परचेज कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे और वो आप लोगों का परचेज भी कर देंगे, यानी कि सिंपली प्लॉट पर भी लोन कर देंगे। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? अलग अलग बैंक्स की अलग अलग ऑफरिंग है। जैसे कि मैं पर्टिकुलर कैनरा बैंक की बात करता हूं या फिर SDFC बैंक की बात करता हूं या फिर कोई भी ऐसा नेशनल बैंक जो कि एक लिमिट रखता है 60-40 का, आप लोगों को 60 का जो परचेज होगा वो देगा। मान लीजिए कि आप लोगों की प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ रुपए है तो 60 लाख रुपए आप लोगों को वो लोन प्रोवाइड कर देगा, प्लस 40 लाख रुपए वो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के लिए दे देगा। आप लोग कितने फ्लोर बनाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो अलग अलग कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से आप लोगों का कंस्ट्रक्शन लोन आप लोगों के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके लिए कई सारी प्रोसीजर होती हैं। जैसे कि अगर आप अप्लाई करते हो तो बैंक वाले, बैंक मैनेजर जो है वो आप लोगों की प्रॉपर्टी को विजिट करता है, और जो भी आप लोग प्रॉपर्टी के कागजात उनके पास सबमिट करते हो वो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर के वो अपने वकील को देता है। वकील उस प्रॉपर्टी के बारे में जांच पड़ताल करता है। अगर आप लोगों की कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि मान लीजिए कि प्रयागराज की बात करते हैं, तो वहां पे PDA है, PDA से अप्रूव्ड है कि नहीं, या फिर अगर ये अप्रूव्ड नहीं है तो किसी मसले में तो नहीं है, तो वगैरह वगैरह सारा कुछ जांच करके आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, या फिर बैंक आपसे कहता है कि हाँ प्रॉपर्टी सही है, अब आप बताओ कि आप कितना लोन लेना चाहते हो या फिर इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, ठीक है। अब वैल्यूएशन की बात आती है दोस्तों, तो दो चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। एक होती है मार्केट वैल्यू और दूसरी होती है दोस्तों जो आप लोगों का सेलर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू मान लीजिए 16,000 गज चल रहा है, आप लोगों का सेलर आप लोगों को 20,000 रुपए गज बेच रहा है, तो उसकी उसकी अलग कंडीशन होती है, आप लोगों को अलग तरीके से लोन प्रोवाइड करेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ज्यादातर बैंक्स आप लोगों को मार्केट वैल्यू पर ही आपका लोन प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कि आप लोग 100 गज जमीन ले रहे हो, 20 लाख की प्रॉपर्टी है, वहां का सर्कल रेट चल रहा है 16,000 रुपए, तो बैंक कोशिश करेगा कि 16 लाख पे ही आप लोगों को वो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन किया जाए और उस पे ही 60-40 डिसाइड किया जाए। ये आप लोगों की बैंक मैनेजर के साठ गांठ होगी सही से, तो आप लोगों को 20 लाख पर भी लोन प्रोवाइड कर। बेसिकली उनका ये मतलब होता है कि आप लोग लोन चुका पाओगे कि नहीं, आप लोग EMI चुका पाओगे कि नहीं, तो वो सर्कल रेट से ऊपर भी आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, ये सारी कंडीशन है अगर आप लोग प्लॉट पे लोन लेना चाहते हो तो। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, 2 साल का भी ITR है, तो NBFC में विजिट कर सकते हो, और आप लोग टर्नओवर कम रखना और ध्यान रखना कि आप लोगों की जो इनकम हो ठीक ठाक हो, जिससे कि आप लोग लोन समय से पहले चुका दो, जैसे कि 10-11% रेट आप लोगों को वहां पे देने पड़ सकते हैं NBFCs में। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी बहुत सारे बैंक्स, खास करके अगर आप लोग अपने गवर्नमेंट बैंक के पास जाओगे तो वो
परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन ही लोन करेंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो चलिए लाइक करिएगा। चैनल पर नए इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। और आप लोगों का कोई और टॉपिक पे कोई क्वेश्चन हो उस पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।